नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी अपनी रसोई में। और दोस्तों, आज हम बिल्कुल सिंपल सी एक सब्जी बनाएंगे जो बहुत ही इजी और बहुत ही झटपट बन जाती है। जब घर में कोई भी सब्जी ना हो तो दोस्तों इस तरह से आप सब्जी बना सकते हैं। ये बहुत ही खाने में टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। तो देखते हैं इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों, ये हरा धनिया, जो धनिया हम हर सब्जी में डालते हैं, हम उससे सब्जी बनाएंगे। ये मैंने धनिया लिया है, ये मेरा 200 ग्राम धनिया है। और मैंने 3 आलू लिए हैं और दोस्तों मैंने 5-6 हरी मिर्ची ली हैं। तो सबसे पहले मैं आलू को छील के काट लेती हूँ बारीक बारीक, और धनिया भी धो के अच्छे से इसको काट लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह धनिया हमने बारीक बारीक काट लिया है, और इसकी जो डंडी थी वो भी हमने काट ली है। वो हम फेंकेंगे नहीं, वो इसी सब्जी में ही यूज करेंगे। और इसी तरह से हम पूरा काट लेते हैं। देखिए दोस्तों, धनिया मैंने इस तरह धो के और बारीक बारीक काट लिया है विद डंडी के सहित, और मैंने आलू भी काट लिए, इनको बारीक काटा है मैंने और अच्छे से धो लिया है। हरी मिर्ची और मैंने एक प्याज भी ली है, इनको भी मैंने काट लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई गर्म की है, उसमें मैंने 2 छोटे चम्मच मैंने तेल डाला है। और तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। और जीरा हमारा अच्छे से तड़क गया है, अब इसमें हरी मिर्च और प्याज ली थी उसको डाल देंगे। और इसको बस 1 मिनट तक हम भूनेंगे। देखिए दोस्तों, प्याज हमारी भून गई है, और अब हम इसमें कटे हुए आलू को डाल देते हैं और इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। और दोस्तों, अब हम इसमें कुछ मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और दोस्तों, हम इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाल रहे हैं। और 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और इन सभी मसालों को हम आलू में अच्छे से मिक्स होने तक इनको बराबर चलाएंगे। और देखिए दोस्तों, मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैंने जो कटा हुआ धनिया लिया था वो सारा इसमें ऐड कर देते हैं। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आलू और धनिया को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और दोस्तों, मैंने पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला, क्योंकि धनिया भी हमारा पानी छोड़ता है, थोड़ा बहुत उसमें मॉइस्चर पहले से होता है। अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे और सिम गैस पे इसको ढक देते हैं और करीब 10 मिनट तक पकने देते हैं। देखिए दोस्तों, 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी धनिया और आलू की सब्जी बनके तैयार है। और देखिए, ये आलू हमारे पक गए हैं अच्छे से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। ये बिल्कुल सिंपल तरीके की सब्जी है, और एक बार आप जरूर ये सब्जी बना के ट्राई करें। तो दोस्तों, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हरे धनिया और आलू की सब्जी हमारी बनके तैयार है। इसको मैंने सर्व कर दिया है। इसको आप पराठे, चपाती, लंच में या डिनर में किसी के साथ इसको ले सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।